हरियाणा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। इसमें बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। रोहतक में घोषणा पत्र जारी करते समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये घोषणा पत्र चुनावी नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये 20 वादे किए हैं। सबसे पहला वादा है कि महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। दूसरा वादा है कि IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। वहीं तीसरा वादा है कि चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। चौथा वादा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर 24 फसलों की खरीद होगी। पांचवा वादा है कि 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी। छठा वादा है 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। सातवां वादा है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर बनाए जाएंगे। आठवां वादा है सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोसिस। नौवां वादा है कि हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी। दसवां वादा है हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर। ग्यारहवां वादा है अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर। वहीं बारहवां वादा है हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अग्निवीर योजना में हरियाणा सरकार उनको सरकारी नौकरी की गारंटी देगा और उनको सरकारी नौकरी में अग्निवीर योजना में जोड़ेगा। तेरहवां वादा है भारत सरकार के सहयोग से KMP के ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत। चौदहवां वादा है भारत सरकार के सहयोग से कई रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत। तो वहीं पंद्रहवां वादा है छोटी पिछड़े समाज की जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड। वहीं सोलहवां वादा है DA और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में बढ़ोतरी होगी। वहीं सत्रहवां वादा है भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले OBC और SC जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूरी स्कॉलरशिप। अठारहवां वादा है सभी OBC वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। तो वहीं 19वां वादा है हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वहीं 20वां और आखिरी वादा है दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।